हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम इंजीनियर ओम कुमार प्रिय है और मैं आईआईटी एंड गेट जैसे हाई लेवल एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुका हूं। और यह हमारा स्पोकन का 14 लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे सही तरीके से हैज हैव का प्रयोग कहाँ और क्यों होता है, यानी सिंपल सेंटेंस टू, यानी ये जो हैज हैव का प्रयोग है सिंपल सेंटेंस के अंदर ही आ जाएगा। सिंपल सेंटेंस को हिंदी में सरल वाक्य बोलते हैं। तो सिंपल सेंटेंस हम अगले लेक्चर में पढ़ चुके थे, तो इसमें हम क्विक रिवीजन के साथ चलेंगे, यानी जल्दी जल्दी से थोड़ा देख करके। पहला है सिंपल सेंटेंस, यानी सरल वाक्य क्या होता है। तो सरल वाक्य वो होता है जिसमें वर्ब मिसिंग होता है, यानी जिस सेंटेंस में क्रिया ना हो उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इसको फिर हमने देखा था कि तीन पार्ट में डिवाइड किए थे, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। उसके बाद हम सिंपल प्रेजेंट में आ गए थे। सिंपल प्रेजेंट में कैटेगरी वन पढ़े थे इज एम आर का प्रयोग, यानी यूज ऑफ इज एम आर। और कैटेगरी टू आज पढ़ेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब कैटेगरी टू में हैज और हैव। तो आज हमारा यही है कैटेगरी टू हैज हैव, यानी हैज हैव का प्रयोग कब करते हैं, जिस वाक्य में पास है या फिर वाक्य के अंत में के का को प्लस ऑब्जेक्ट प्लस है रहे। यानी जैसे राम का, राम को, राम के, यानी राम के ब्रदर, राम के बुक, राम का गाड़ी, राम को गाड़ी, इस तरह से रहे तो हम हैज हैव से बनाते हैं। नोट, यूज ऑफ हैज हैव, यानी हैज का प्रयोग कब करें और हैव का प्रयोग कब करें। तो यानी यहाँ पे देखेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट बोले तो इसके इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में आएंगे ही आ जाएगा। हमने लिखा ही मतलब वह पुलिंग के लिए। इसके बाद सी आ जाएगा, सी मतलब वह स्त्रीलिंग के लिए, ये भी सिंगुलर है। उसके बाद ईट आएगा, ईट मतलब यह नपुंसक लिंग के लिए। उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कोई नेम आ सकता है, एन फॉर नेम, यानी बोल सकते हैं ही हैज, सी हैज, ईट हैज, राम हैज, श्याम हैज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, यानी जो बच गया सारा सब्जेक्ट उसके साथ हैव का प्रयोग होता है। यानी कौन कौन बच गया एक बार थोड़ा देखते हैं, जो मेन है। तो पहला बच्चा है आई, यानी मैं। दूसरा बच्चा वी, हम लोग। तीसरा बच्चा है दे, वे सब, दोज, वे सब। ठीक है, ये बच गया। उसके बाद यू बच गया है एक यहाँ पे। उसके बाद प्लुरल सब्जेक्ट, यानी उसके बाद प्लुरल सब्जेक्ट, पी एस स्टेटमेंट प्लुरल सब्जेक्ट, यानी बोल सकते हैं आई हैव, वी हैव, यू हैव, स्कूल हैव, क्लास हैव, राम एंड श्याम हैव। राम एंड श्याम दो हो गए थे, यहाँ पे प्लुरल हो गए। ठीक है, तो ऐसे जगह पे हैव का प्रयोग करते हैं। यानी हमें आशा है हमें समझ गया कि आप लोगों को हैज हैव का प्रयोग समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं, फिर दिक्कत करेगा आगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 17 स्लाइड में। तो इसमें क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी इसमें है अफर्मेटिव सेंटेंस। हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस फोर कैटेगरी में डिवाइड किया था बेसिक रूप से, तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो उसी में अफर्मेटिव की तरह जो रहेगा वाक उसको कैसे देखेंगे। तो रूल यहाँ पे स्ट्रक्चर, एसटीआर मतलब स्ट्रक्चर, शॉर्ट फॉर्म हम एसटीआर है। स्ट्रक्चर मतलब फार्मूला, रूल, बनाने की विधि क्या है। तो यहाँ पे रूल है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड रहेगा तो अदर वर्ड लिख देंगे, और फुल स्टॉप लास्ट में लगा देंगे। तो हमने पहले चलते हैं एग्जांपल देखते हैं कुछ, तो सारा एग्जांपल देखेंगे। तो पहले हम
पढ़ लेते हैं सही से सारे एग्जाम्पल को। राम के पास एक किताब है, राम के एक किताब है, राम का एक किताब है, राम को एक किताब है। तो ये अगर सही से पढ़ें और ध्यान से पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि सारे वाक यानी टोटल चारों वाक का सेंस यानी मीनिंग सेम ही हो रहा है कि राम के एक किताब है यानी राम के पास अपना एक किताब है। तो इस तरह से वो सारे वाक्यों को हम हैज हैव से बना देंगे और इसके लिए सारे माने चारों के लिए हम एक ही सेंटेंस बनाएंगे, एक ही से हो जाएगा इंग्लिश में। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो राम है, तो हमने लिख दिया पहले, लिखेंगे यहाँ पे राम। उसके बाद क्या बोल रहा है कि हैज या हैव लिखिए, तो आप लोग भी जानते हैं नाम के साथ क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे। तो राम के बाद हमने लिखेंगे हैज, तो यहाँ पे हमने लिख दिया हैज। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तो ऑब्जेक्ट है एक किताब, तो लिखेंगे अ बुक। अ बुक, बुक मतलब किताब। उसके बाद हम फुल स्टॉप दे देंगे। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं इसको टाइप करता हूँ उसके में, देख लीजिए उसको टाइप करके लिखता हूँ और एक साथ देख चलेंगे। तो हमने लिख दिया यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे लिखा बोल रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम, तो हमने राम लिखा। उसके बाद बोल रहा है हैज या हैव लगाइए, तो राम के साथ हैज होता है तो हमने हैज लगा दिया। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बोला कि ऑब्जेक्ट लगाइए, तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन है इस सेंटेंस में, तो किताब है, तो हमने ए बुक लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है अदर वर्ड लिखिए, मतलब कोई वर्ड बचा है, तो देखेंगे यहाँ उसे तो कोई वर्ड अब नहीं बचा है, तो इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हमारा क्लियर हुआ। तो चलिए सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा कोई एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल तो इसमें लिखा है, पहले देखेंगे वाक्य, मेरे दो भाई हैं, मेरे को दो भाई हैं, मेरे पास दो भाई हैं। ये तीनों वाक्य देखिए तो सेंस यानी मीनिंग सेम ही आएगा कि हमारा दो भाई है, ठीक है। तो इसी ऐसे जितना भी होगा यानी के को ये सब जो लगा के इधर उधर किया रहेगा, या मेरे को मेरा, तो इस तरह से मैंने अपना यानी खुद का हमारा, तो ऐसे जगह पर जहाँ पे सेंस आ जाए कि खुद का मेरा मतलब हमारा तुम्हारा मतलब उसका अपना, तो उस जगह से जगह को हमने हैज हैव का प्रयोग करके बनाते हैं। तो इसमें चलते हैं बनाते हैं। तो पहले बोल रहे हैं सब्जेक्ट लिखे, तो इसमें सब्जेक्ट का मेरा दो भाई है, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया मेरा, तो हम लिख देंगे मेरा के आई। उसके बाद बोल रहा है कि हैज लिखिए या हैव लिखिए, तो आई के साथ हैज लिखिएगा कि हैव लिखिएगा, तो हमने अभी थोड़ा देर पहले जिक्र किया कि आई के साथ हैव लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया हैव। उसके बाद बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखिए, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दो भाई, हमारा दो भाई है तो लिखेंगे टू ब्रदर। टू ब्रदर, हमने टू ब्रदर लिख दिया, टू ब्रदर यानी आई हैव टू ब्रदर। इसको टाइप करके लिखते हैं, थोड़ा सही नहीं दिखाई दे रहा है तो टाइप करके हम लिख देते हैं इसको। एक बार फिर समझते हैं कि कैसे हुआ, अगर नहीं समझ में आया होगा तो। पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें देखा मेरा, तो मेरा का हमने आई लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है कि हैज या हैव लिखे, लिखे, तो हम जानते हैं कि आई के साथ हैव होता है, तो हमने हैव लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखिए, तो ऑब्जेक्ट हमारा दो भाई है, तो हमने लिख दिया टू ब्रदर। उसके बाद अदर वर्ड देखेंगे, तो अदर वर्ड कोई छूटा है, तो कोई नहीं छूटा, सारा हमने लिख दिए हैं, तो उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। तो आशा करता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट, यहाँ पे डू और डज आ जाता है, जो जो है प्रेजेंट में डू और डज आ जाता है। उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद हैव, यहाँ से हैज गायब हो जाएगा, सिर्फ हैव आएगा, यानी डू डज जब लगा देंगे तो हैव का प्रयोग होता है, कभी हैज नहीं आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब। नोट यानी यूज ऑफ डू ओब्लिंग डज, यानी डू का प्रयोग कब करें और डज का प्रयोग कब करें। तो लिखेंगे यहाँ, लिखें हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करते हैं, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन आ सकता है, लिखिए आप लोग, ही सी इट नेम, ए पॉइंट को अपने फेयर पे लिखिए, ही सी इट नेम और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो वहाँ पे डच का प्रयोग करें, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करेंगे। तो डू का मतलब किस में हो सकता है बचा हुआ, मेन मेन, आई वी दे यू दोज, प्लुरल सब्जेक्ट, ठीक है। अब नीचे देखेंगे थोड़ा, डज और नॉट, यानी यहाँ पर हम सोचें कि डू डज की जगह हमें डोंट और डजंट लिखें, यानी तो कैसे लिखेंगे, यानी डू और नॉट, यानी जो डू और नॉट से बनाएंगे उसको डायरेक्ट डायरेक्ट डोंट लिख दें, डू और नॉट को डोंट लिख देंगे। अब डज और नॉट को जोड़ेंगे, डज और नॉट खाली लिखेंगे, यानी डजंट लिख सकते हैं, यानी कैसे, डज प्लस नॉट यानी डजंट होता है। तो यहाँ पे अगर ये क्या करेंगे, डजंट और डंट, यानी डजंट ओब्लिंग डंट लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं निगेटिव सेंटेंस में, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैं पहले इरेज करता हूँ सॉल्यूशन को, उसके बाद देखेंगे। तो यानी सब हमने वही वाक है, बस नहीं 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 जोड़ दिया हूँ, तो मतलब कि सबका मीनिंग सेम ही है, सेंस सेम ही है, अर्थ सेम ही है, तो उसी तरह से बनाएंगे, इस सारे का इंग्लिश एक ही होगा। तो एक ही इंग्लिश क्या होगा, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो चलेंगे अपना स्ट्रक्चर पे, यानी फार्मूला पे, रूल पे, कि उसका रूल क्या है, बनाने का नियम क्या है। तो पहले बोल रहा है कि सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद डू लग लिखिए या डज लिखिए, ठीक है। तो पहले चलते हैं अपना इसमें, ढूंढते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, तो राम, तो हम लिखेंगे राम, तो हम लिख दिए यहाँ पे राम। सेकेंड डू ओब्लिंग डज, यानी डू लिखे या डज लिखे, तो हम जो जानते हैं कि राम के साथ डज लिखते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, नॉट लिखिए, डू और डज हो गया तो नॉट लिखिए, तो उसके बाद नॉट का प्रयोग लिखेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि हैव लिखिए, तो हम यहाँ पे हैव लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिए, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट इसमें किताब है, गया एक किताब, हम लिखेंगे एक ए बुक, आ किताब के लिए बुक। तो सब्जेक्ट राम, डू डज में से डू डज लेंगे, क्यों डज लेंगे, क्योंकि राम है। उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट द ए बुक, ठीक है। तो इसको हमने क्या करेंगे कि इरेज करके इसको भी हमने लिख देता हूँ टाइपिंग वाला। अगर आपको मेरे वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट में बताइए, और आप अगर आपने चैनल को मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर पसंद आया हो तो, अगर नहीं पसंद आया तो कैसे नहीं आया, कहाँ नहीं आ रहा है उसको भी बताइए, ताकि अगले वीडियो में हम आपको अच्छी तरह से बता सकें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, हमने सारे को पेस्ट किया है, कैपिटल लेटर है, लेकिन आप लोग स्मॉल लिखिएगा, यहाँ पर सिर्फ कैपिटल आर लिख करके सारे को सारे स्मॉल लिखना है, नहीं कि कैपिटल मेरे तरह लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल टू देखेंगे। एग्जाम्पल टू में निगेटिव सेंटेंस के,
तो इसको कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू ओब्लिंग डज प्लस नॉट प्लस हैव ऑब्जेक्ट, वही है। अब यहाँ पे है ना कि पहले सॉल्यूशन को हम इरेज कर लेते हैं, उसके बाद मेरे दो भाई नहीं हैं, मेरे को दो भाई नहीं हैं, मेरे पास दो भाई नहीं हैं। तो इस सब को पढ़ेंगे, सारे को पढ़ेंगे मीनिंग को, तो हमें पता चलेगा कि सारे का सेंस अर्थ सेम ही हो रहा है। तो यानी इसको देखेंगे तो सारे का एंस सेम ही हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इसको हम सिर्फ एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में इंग्लिश बना देंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है मेरा, यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है, तो मेरे के लिए क्या लिखेंगे, आई, मेरा नहीं मेरे हैं, तो मेरे के लिए आई। उसके बाद बोल रहा है कि डू या डज लिखिए, तो हम आई के साथ, जानते हैं कि आई के साथ डू लगता है, थोड़ा देर पहले जिक्र किए क्यों डू लिखेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि नॉट लिखिए, तो हम यहाँ पे आगे नॉट लिख देंगे, ए नॉट है, नौ की एच है, ए नॉट टी। उसके बाद बोल रहा है हैव लिखिए, तो हम आगे हैव लिख देंगे। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट लिखिए, तो ऑब्जेक्ट हमारा दो भाई है, तो लिखेंगे टू ब्रदर। यार ठीक है, तो इसको हमने सही सही से समझेंगे, एक बार टाइप करके लिख देते हैं आपको। तो हमने लिखा पहले कौन सा, आई लिखा है ना, यहाँ पे आई लिखे हैं, कैसे लिखा, सब्जेक्ट बोल रहा है, तो सब्जेक्ट किसमें आई हो गया। उसके बाद आई के साथ डू लगेगा, डज लगेगा, तो डू लगता है। उसके बाद बोल रहा है नॉट, नॉट क्यों नॉट लिखा, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, ठीक। उसके बाद बोल रहा है हैव, तो हमने हैव लिखा। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट लिखे, तो ऑब्जेक्ट कितना है, दो भाई, तो यहाँ पर हम लिखे टू ब्रदर। अदर वर्ड बोल रहा है, तो अदर वर्ड इसमें नहीं है, ठीक है। अब सारा हो गया तो हम छोड़ देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो आशा करता हूँ कि ये लेक्चर, ये निगेटिव वाला सेंटेंस पार्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इंट्रोगेटिव में पहले देखेंगे कि क्या से शुरू रहने पर, जो क्या से शुरू है, नहीं देखिए ये सब क्या 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 से शुरू है उसके लिए, तो उसका लिए रूल होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले डू या डज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिखते हैं। तो चलिए मिल के बनाते हैं। तो पहला लिखा इसमें देखेंगे कि डू डज, तो डू डज किस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पर। तो पहले इसको छोड़ के सब्जेक्ट पर जाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट राम है, तो राम है, तो राम क्या, नाम है, नाम को लिए डू लिखते हैं, डज, तो डज लिखते हैं। तो पहले हम यहाँ पे लिख देंगे डज, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे डज, पहले डज लिखा। उसके बाद बोल रहा है कि सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट क्या है, राम, तो हमने राम लिखेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि सब्जेक्ट के बाद हैव लिखिए, तो हमने आगे चल के हैव लिखेंगे। हैव लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ए बुक, ए किताब, तो हम लिख देंगे ए बुक। उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो चलिए इसको हम हटा करके एक बार समझ लेते हैं, डू और डज। तो पहले डज लिखे, क्योंकि राम है, सब्जेक्ट राम है, तो राम के साथ डज लगता है। उसके बाद हैव कॉपी कर देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट बोला है, ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो इसमें पता चलेगा कि एक किताब ऑब्जेक्ट है, तो हमने ए बुक लिख दिया। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लिख दिया, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ना कि दो है, ना एल है, ठीक। तो इसको हम इरेज करके टाइप से सही से लिख देते हैं, क्योंकि सही दिखाई दे नहीं रहा अभी। तो चलिए हमने इसको
एक मिनट, यहाँ पे कमांड जेड, नहीं नहीं वन सेकेंड, एक नहीं नहीं आएगा, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे कॉपी पेस्ट का मिस्टेक है। ठीक है, तो एक साथ मिलकर लिखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, डू या डज, तो हमने डज लिखेंगे, राम के लिए डज लिखेंगे। तो पहले हमने डज लिख दिया, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट राम है, हमने राम लिख दिया। उसके बाद क्या हैव, तो हमने हैव लिखेंगे। उसके बाद क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, इसका एक किताब है, तो लिख देंगे आ ए बुक। उसके बाद क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह अपना यानी क्वेश्चन मार्क दे देंगे, यानी डज राम हैव अ बुक, क्या राम के पास एक किताब है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड यूज करके, यानी डब्ल्यू एच वर्ड यानी क्या से नहीं शुरू रहेगा तब, तो यहाँ पे लिखा है डब्ल्यू एच वर्ड ओब्लिंग सॉरी प्लस डू ओब्लिंग डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो इसको हिंदी पहले पढ़ेंगे, तो देखेंगे राम के पास कितने किताब हैं, तो राम के पास कितने किताब हैं, राम के कितने किताब हैं, राम का कितने किताब हैं, राम को कितने किताब हैं, सबका सेंस यही जा रहा है कि राम के पास कितने अभी किताब बचा है। ठीक है, तो इसके लिए कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले चलते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू। तो स्ट्रक्चर में बोलता है डब्ल्यू एच, ते में जाएंगे और डब्ल्यू एच पकड़ के लाएंगे, कितने, तो कितने का होता है हाउ मैनी, तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे हाउ मैनी। हाउ मैनी, हाउ मैनी मतलब कितने। उसके बाद डू ऑफ डज, तो यहाँ पे देखेंगे राम, तो राम सब्जेक्ट के अनुसार हमारा डज लगता है, हाउ मैनी उसके बाद लिखेंगे डज। उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा है राम, तो हम लिख देंगे राम। उसके बाद बोल रहा हैव, तो हम लिखेंगे हैव। उसके बाद बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, तो उस जो ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड बन गया, यानी कितने के बुक जो हमारा रह गया, तो हम उसके बाद बुक को लिख देंगे। ठीक है, तो यानी हम इसको इरेज जो किए थे उसको वापस करते हैं, तो एक बार फिर से देखते हैं कि हमने कैसे लिखा। पहले बोला डब्ल्यू एच, तो हमने डब्ल्यू एच फैमिली यहाँ से देखा, डब्ल्यू एच मतलब डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच फैमिली, तो डब्ल्यू एच फैमिली में हम पढ़ा था हाउ मैनी यानी कितने के लिए हाउ मैनी लगते हैं, तो पहले हम लिख दिया हाउ मैनी। उसके बाद डू या डज, तो ये देखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, तो राम है, तो राम है, तो राम के लिए डज लगा क्योंकि नाम है राम। उसके बाद राम सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद बोला हैव, तो हैव लिख दिए। उसके बाद बोला कि ऑब्जेक्ट लिखिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, तो हमने बुक लिख दिया। उसके बाद बोला अदर वर्ड, तो अदर वर्ड कोई बचा है, नहीं, सारे के सारे हमने लिख दिया। अदर मतलब वर्ड मतलब कुछ और जो बचा हुआ है उसको अब लिखिए, तो यहाँ पर कुछ बचा नहीं है, सारे लिख दिए। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या बोलिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा कि सारे फार्मूला सेम होगा, बस यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट जुड़ गया, यानी एक अगर ऊपर वाला हम ले जाकर देखें, यानी एक ऊपर वाला गए यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में गए, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद, यहाँ पे देखिए डज सब्जेक्ट लिखा है हैव, बस, तो यहाँ पे क्या करना, सब्जेक्ट के बाद नॉट, यानी अब आते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, स्लाइड चेंज कर दिए, देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आ गया, तो यहाँ पर हमने नॉट आ गया, तो नॉट सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देंगे, यानी वही है, वही स्ट्रक्चर है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देंगे, यानी नहीं के लिए। तो चलिए पहले देखते हैं कि क्या लिखा है, क्या राम के पास किताब नहीं है, इसको कैसे बनाएंगे, क्या राम के पास, तो पहले डब्ल्यू एच लिखा था, डब्ल्यू एच देखेंगे इसमें, तो क्या लिखे, इसमें देखेंगे तो क्या,
तो यहाँ पर ध्यान देखिए, तो क्या से शुरू है, तो क्या से शुरू है तो डब्ल्यू एच वर्ड नहीं लगता है, तो हम डब्ल्यू एच वर्ड नहीं लिखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, डू डज, तो डू डज किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे, तो सब्जेक्ट राम है, तो राम के पहले, राम के लिए डज लिखते हैं, तो पहले डज लिख दिए, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट राम लिख दिए, उसके बाद बोला कि नॉट लिखिए, तो उसके बाद हमने यहाँ पे नॉट लिख दिया, उसके बाद बोल रहा है कि हैव लिखिए, तो हमने यहाँ पे हैव लिख दिया, उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट लिखिए, तो यहाँ पर ध्यान देखिए तो बुक लिख दिया, ए बुक, तो ए बुक हमने लिख दिया। उसके बाद अदर वर्ड, तो अदर वर्ड देखेंगे क्या के लिए हो गया, राम के लिए हो गया, के पास के लिए हो ही गया, किताब के लिए हो ही गया, नहीं के लिए नॉट लगाए दिए, हाई हाई के लिए हमने डज लगाइए दिया, ठीक है। तो सारे हो गए, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क दे देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, राम को कितने, राम को कितने किताब नहीं हैं, यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है राम को कितने किताब नहीं हैं। तो देखिए, तो पहले लिखेंगे हाउ मैनी, क्यों लिखा, कितने के लिए लिखेंगे, हाउ मैनी, हाउ मैनी हमने लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है कि डू या डज लिखिए, डू या डज लिखिए, तो हमने यहाँ पे डज लिख दिया, क्यों डज लिखा, क्योंकि राम है, राम क्या है, नाम है, नाम के साथ डज लगता है, तो डज लिख दिए। उसके बाद बोल रहा है कि आप नॉट लगाइए, सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो सब्जेक्ट जो राम है, राम के बाद नॉट लगाया। उसके बाद बोल रहा है कि हैव लगाइए नॉट के बाद, तो नॉट यहाँ लिख दिया, तो नॉट के बाद हैव लगाया। उसके बाद बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट लगाइए, ऑब्जेक्ट के बाद बुक लिख दिया। तो एक ध्यान से देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमने यहाँ पे बुक लिखा है, ये सब देखिएगा, तो ए बुक लिखा है, तो यहाँ पे बुक अ बुक क्यों नहीं लिखा, ए क्यों नहीं लिखा यहाँ पर, यानी हैव अ बुक क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए, पूछ रहा है राम को कितने किताब नहीं है, मतलब पूछ रहा है कितने संख्या में नहीं, एक संख्या में, दो संख्या, तीन संख्या, या संख्या के जिक्र किया है, इसलिए ए नहीं लिखे हैं, अदरवाइज ए का प्रयोग करते, यानी यहाँ पर देखेंगे तो क्या राम के पास किताब नहीं है, यहाँ पे संख्या जिक्र नहीं किया है, ठीक है, मतलब संख्या नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ए लगाए हैं, यानी ए बुक। तो आशा करता हूँ मेरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अगर कोई प्रकार की त्रुटि हो या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो या कोई सुझाव देना हो, कोई भी चाहते हैं बात करना, तो कमेंट में मेरे को लिखें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तो। चलिए, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।